हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग एक न्यू एडवेंचर पे जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे तो गाइस, हम लोग अब बिलकोटा पहुंच चुके हैं, और बिलकोटा पहुँच कर वहाँ कुछ काम है, तो वहाँ का काम निपटा कर सीधे आपको बतौली मिलते हैं। चलो भाई जी, लोग हेलो। तो गाइज, हम आज जा रहे हैं सीधा वाटर पार्क, तो जाके वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए गाइज। अभी हम लोग शांतिपारा से जस्ट निकल चुके हैं, और आगे सामान ले चल रहा इधर आगे तो ले रास्ता। तो गाइस, हम लोग उतर के कुछ कुछ सामान लिया जा रहा है, देखिए इधर फ्रेंड लोग सामान ले रहे हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग सेदम झरने के लिए रास्ता में निकल चुके हैं। देखिए इधर रास्ता क्या, इसको बोलते हैं सेदम बस्ती। इधर बैंक, इधर से बोल रहे हैं शायद 2 या 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। चलिए आपको जल्दी मिला के वहाँ दिखाते हैं वहाँ का सीन सब, तो बने रहिए। ये गांव के रास्ते से चलता है पूरा, पता नहीं अब 4 किलोमीटर तो बोल रहे थे सेदम, सेदम नाम देख लीजिए आपके लाइन में ही है। इधर है ऑमलेट दुकान, जिसको खाना है वो यहाँ संपर्क करें। इधर से साइड मोड़ना पड़ जाएगा दाहिने की ओर, तो यहाँ पर एक कुछ बोर्ड दिया है, इस बोर्ड के जरिए आपको कुछ दिखाता हूँ। लेकिन बोर्ड में लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, पता नहीं, बहुत पुराना हो जा रहा है सेदम। मेरे को ना फर्स्ट बार सुना था, मैं ऐसे ही देखा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्थर कौन कर दिया है। ये पूरा बस्ती पहाड़ी एरिया साइड है लगता है वाला। मैं रोड जस्ट इससे आगे में, कुछ आगे में, चलिए आपको आगे फिर मिलाता हूँ। इतना खतरनाक रास्ता है, मैं तो देख के लग रहा है कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं टाइप। देखिए रास्ता इधर का, इधर ये सागौन का पेड़ पूरा लगा है। इधर का रास्ता ऐसे ऐसे है पूरा, ये उसी झरना का पानी आ रहा है यहाँ, ये सेदम वाला झरना का पानी है ना। बबारी झरना, झरना तो झरना से तो आगे इधर ही झरना दिख रहा है, पूरा इधर जंगल का नज़ारा। आम का पेड़, आम भी खाना होगा तो आ सकते हैं, आ सकते हैं। इधर मस्त नज़ारा, सब फूल फूल खुला है यहाँ पर। ये लगता है पूरा पानी वाला एरिया है पूरा देखने से। मैं सोच रहा था यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, पर हमारे जो भाई लोग जो देखे थे यहाँ, उन लोगों को पता था, इसीलिए बाइक इतना अंदर आ जा रहा है। चलिए आपको आगे और दिखाते हैं। ये रास्ता सबको देख के लगता है कि सबको पैदल ही जाना पड़ेगा। इधर का पता नहीं कितना दूर में वाटरफॉल है बोलते हैं, मेरा तो फर्स्ट बार है आया हुआ। चलिए आपको वहाँ जाके मिलाते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, तो मेरे साथ लोग में बने रहिए। इधर का देखिए ऐसा नज़ारा है, धूप का सीज़न पूरा है ज़बरदस्त। इधर सब पेड़ सब लगाए हैं। तो हम लोग नीचे नदी की ओर जा रहे हैं, थोड़ा पानी प्यास लग रहा था हम लोग को। ये वाला और आगे इधर से जाना पड़ेगा ऊपर साइड से। ये गाइस, इधर का रास्ता ऐसे सब है, चलिए इतना खराब रास्ता है। मैं सोच रहा था ऐसे मेरा बाइक देखिए ब्लॉग में आप बने रहिए। तो देखिए गाइस, इधर हम लोग सेदम झरना पहुंच चुके हैं, ये छोटा वाला झरना है, तो आगे आपको जाके दिखाते हैं। इधर गाइस सूचना दे दिया गया है, तो देखिए इसमें पर मधुमक्खी को ना छेड़ें, ऊपर झरना के पास खाना बनाना एवं धूम्रपान करना मना है। ऊपर झरना देव स्थल
में पीला वस्त्र धारण कर जाना मना है और महिलाओं को मत करें। देखिए आधा कड़ा सर। तो गाइज आपको दिखाता हूँ मैं आगे का नज़ारा, तो मेरे साथ ब्लॉक में बनी रही है। देखिए इधर का नज़ारा, ये है ऊपर जाने का रास्ता। चलिए आपको दिखाते हैं। वैसे पूरा रास्ता आजकल ख़राब हो गया है पानी के चलते, तो आप मेरे साथ ब्लॉक में बनी। इधर और दोस्त लोग हैं, उन लोग भी कुछ कर रहे हैं। चलिए आप साथ में देखिएगा पूरा रास्ता है। यहाँ इधर ख़राब है, ब्लॉक में सब हम बढ़ते जाने कदम से कदम मिलाते हैं। देखिए इधर का झरना, अरे ये तो बहुत बड़ा वाटरफॉल है। हम लोग का सरगुजा का सिदम झरना। तो फाइनली गए हम लोग पहुंच गए सिदम झरना। तो हमारे साथ आप भी देखिए इधर का पूरा नज़ारा। तो देखिए इधर का पूरा नज़ारा, ये पूरा कितना पानी बरस रहा है। देखिए आपका झरना वाटरफॉल, आपको जूम करके दिखाते हैं इधर पर जूम वाटरफॉल। लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत घूम लिए, हमारा एडवेंचर आपके यहाँ ख़त्म हो गया। चलिए हम लोग अब सिदम झरना का लास्ट पॉइंट आ चुके हैं, तो आपको आइए दिखा रहे हैं क्या नज़ारा। तो गाइस झरने के पास हमारा फुल मस्ती हो गया और अब हम घर के लिए जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा।